हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल निक्स फिट। सो गाइस, आज है हमारा डे 17 आउट ऑफ 21। सो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है कि आप अपने पोस्ट वर्कआउट मील में क्या लें, पोस्ट वर्कआउट मील होती क्या है और पोस्ट वर्कआउट मील आपको क्यों लेना ज़रूरी है। सो मेक श्योर, अगर आप चैनल पर नए हो तो उनको प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर टैप कर देना, क्योंकि मैं नहीं चाहता आप मेरी फ्यूचर वीडियो कोई भी मिस करो। सो स्टार्ट करते हैं गाइस कि आपको पोस्ट वर्कआउट मील होती क्या है। पोस्ट वर्कआउट मील वो होती है जब आप वर्कआउट करके आए, उसके बाद जो आप मील कंज्यूम करोगे उसको बोलते हैं हम पोस्ट वर्कआउट मील। अब हम बात करते हैं पोस्ट वर्कआउट मील लेना ज़रूरी क्यों है, कितने टाइम में लेना है आपको, कितने जल्दी लेना है, वो क्यों ज़रूरी है। जब आप वर्कआउट करते हो तो आपके सारे टिश्यू फटीग हो जाते हैं, आपके सारे टिश्यू डैमेज हो जाते हैं। सो उसको रिप्लेनिश करने के लिए आपको कोई एक हाई प्रोटीन डाइट लेना ज़रूरी है। जब आप वर्कआउट करोगे तो आपकी बॉडी कैटाबॉलिक स्टेट में चली जाएगी। कैटाबॉलिक स्टेट यानी कि जब आप वर्कआउट करोगे तो आपकी टिश्यू ब्रेकडाउन होंगे तो उससे आपकी जो मसल है उसमें फटीग आएगा। तो कैटाबॉलिक स्टेट का मतलब ये होता है कि आप जब आपकी बॉडी मसल लूज करने के स्टेट में होती है, अगर आप उसके अपने वर्कआउट के बाद अपनी पोस्ट वर्कआउट मील कंज्यूम नहीं करोगे तो आपकी बॉडी कैटाबॉलिक स्टेट में जा सकती है, यानी कि जो आपने वर्कआउट करा है उसको वो मसल लॉस के स्टेट फेस में जा सकती है। सो मेक श्योर आप अपने डाइट वर्कआउट के बाद पोस्ट वर्कआउट मील कंज्यूम जरूर करें। अब हम बात करते हैं कि पोस्ट वर्कआउट मील में आपको लेना क्या है, कितने ड्यूरेशन में लेना है और कब कब लेना है। सो पोस्ट वर्कआउट मील के बाद आपको ऐसी चीज़ लेना है जो आपकी बॉडी जल्दी एब्जॉर्ब कर ले। वो 20-30 मिनट्स के बीच में आपको ऐसी चीज़ लेना है जिससे आपकी बॉडी को जल्दी एब्जॉर्ब कर ले। तो वो कौन सी चीज़ ले हम जिससे जो हमारी बॉडी जल्दी एब्जॉर्ब कर ले। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप एग वाइट से ले सकते हैं, उसमें से येलो पार्ट ना लें। अगर येलो पार्ट लेंगे तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। एग वाइट में सारे 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, वो आपकी जल्दी रिकवर कर देगा और जल्दी आपकी बॉडी एब्जॉर्ब भी कर लेगी। और आप जैसे मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ तो मैं अगर लूँगा तो मैं लूँगा पनीर, आप पनीर ले सकते हैं, बटर मिल्क ले सकते हैं जिसको हम छाछ बोलते हैं, आप मिल्क ले सकते हैं। ये सब आपको 20 मिनट्स के अंदर लेना है ताकि आपकी बॉडी जल्दी से इसको एब्जॉर्ब कर ले और मसल रिकवर प्रोसेस में जल्दी जल्दी इसको डालते जाए। सो आप ये मत सोचिए कि अगर आप पोस्ट वर्कआउट मील, और एक और बात में जो मैं बताना भूल गया कि अगर आप कोई अगर सप्लीमेंट अफोर्ड कर सकते हैं तो आप सप्लीमेंट डायरेक्ट वर्कआउट के बाद कंज्यूम कर सकते हैं, बट सप्लीमेंट मैं नहीं लेता हूँ। मैं यही बोलूँगा कि आप अगर पोस्ट वर्कआउट मील में अगर आप कुछ अपने जो फूड से कंज्यूम करें प्रोटीन, आपको इन शॉर्ट एक हाई प्रोटीन डाइट रखना है जिसमें आपको 20 मिनट्स तक कार्ब्स आप कुछ नहीं लेना, ना कॉम्प्लेक्स कार्ब लेना है ना आपको सिंपल कार्ब्स लेना। आपको वर्कआउट के तुरंत बाद 20 मिनट तक एक हाई प्रोटीन डाइट रखना है जिसमें आपकी जो टिश्यू फटीग हुए हैं वो जल्दी रिकवर हो जाए। तो ये तो हो गया कि आपको 20 मिनट्स के अंदर क्या क्या लेना है। अब हम बात करते हैं जब आपने एक हाई प्रोटीन डाइट ले ली पोस्ट वर्कआउट में अपने, उसके 1.5 से 3 घंटे के बीच में आपको क्या लेना है। 1.5 से 3 घंटे के बीच में जब आपकी बॉडी ये हाई प्रोटीन डाइट एब्जॉर्ब कर लेगी, उसके बाद आप कुछ भी ले सकते हैं। आप कॉम्प्लेक्स कार्ब भी ले सकते हैं, सिंपल कार्ब्स भी ले सकते हैं। अगर आप हाई, मेन बात ये है कि आपको प्रोटीन भी लेना है और कार्ब्स भी लेना है। प्रोटीन आप वेजिटेरियन है तो कहीं से भी कंज्यूम कर सकते हैं, नॉन वेजिटेरियन है तो फिश ये सब चिकन विकन यहीं से कंज्यूम कर सकते हैं। बट उसमें आप अपनी जो 1.5 से 3 घंटे के बीच वाली जो आपकी मील रहेगी उसमें आप अपने कार्ब्स भी कंज्यूम कर सकते हैं। कार्ब्स आपके जो मसल है टिश्यू आपका डैमेज हुआ है उसको रिप्लेनिश करने में काम आएंगे। सो आई होप कि जो मैंने आपको चीज़ें बताई कि आपको 20 मिनट्स के अंदर क्या लेना है पूरा एक फॉर्म में बताया, और उसके 20 मिनट्स के बाद आपको 1.5 से 3 घंटे के बीच में क्या लेना है, ये आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। आप इसको फॉलो करके देखिए और जिस रूटीन में मैंने बताया, जिस स्टेप में स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया कि 20 मिनट्स के बाद और उसके बाद 1.5 से 3 घंटे के बीच में आपको क्या कंज्यूम करना है, आप इसी स्टेप में फॉलो करेंगे तो आई नो और मेरे को पता है कि आपको रिजल्ट काफ़ी अच्छे मिलेंगे। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और ये वीडियो उस फ्रेंड से जरूर शेयर करना जिसको पोस्ट वर्कआउट मील जो बोलता है कि पोस्ट वर्कआउट मील हम कभी भी ले सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है, तो उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। वो ये वीडियो देखेगा तो काफ़ी उसको पता चलेंगी चीज़ें कि कैसे क्या क्या होता है। सो उस फ्रेंड के को जरूर शेयर करना जिसको पोस्ट वर्कआउट मील पता नहीं है, जिसको पोस्ट वर्कआउट मील वो अपनी लेट लेता है, बट आपको जितना आप डिसिप्लिन रहेंगे उतने ही आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सो
दैट्स ऑल। आई होप आपको वीडियो पसंद आया, पसंद तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर नया हो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर, पीस।